जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जो लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आज रोमांचक मुकाबला खेला गया, उसी मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में तो आपको यहाँ पर हम बताने वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट कर हमको बताइए कि आपको क्या लगता है कि लखनऊ और मुंबई में से कौन सी टीम है इस बार आईपीएल 2022 की सबसे मजबूत टीम। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी लखनऊ और मुंबई के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल के 15वें सीजन का आज 37वां मुकाबला खेला गया, जहां मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, तो वहीं लखनऊ की कमान केएल राहुल संभाल रहे थे। हालांकि आज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए, जिससे मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 169 रनों का लक्ष्य मिला। तो वहीं कप्तान केएल राहुल ने आज के इस मुकाबले में 103 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 62 गेंदों में अपनी नाबाद पारी में 12 चौके और 4 बड़े छक्के जड़े। हालांकि दोस्तों इस दौरान जसप्रीत बुमराह और रिले मैरिदित ने घातक गेंदबाजी करवाकर 2-2 विकेट झटके थे। तो वहीं अगर हम बात कर लें लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की, तो लखनऊ की तरफ से आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे क्वेंटन डिकॉक और केएल राहुल, तो इन दोनों की आज साझेदारी ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाई, क्योंकि यहां पर क्वेंटन डिकॉक मात्र 10 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए और 27 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। तो वहीं फिर मैदान पर आए मनीष पांडे, जहां मनीष पांडे का फॉर्म एक बार फिर से खराब रहा और वो 22 गेंदों में 22 रन ही बना सके और कायरन पोलार्ड की गेंद पर रिले मैरिदित के हाथों कैच आउट किए गए। तो वहीं ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद फिर हर किसी को उम्मीद थी मार्कस स्टोइनिस से, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस केएल राहुल का साथ निभा सकते थे, लेकिन वो भी 3 गेंदे खेलकर डेनियल सैम्स की तिलक वर्मा को अपना कैच थमा बैठे, जिसके चलते यहां पर ये 3 बड़े झटके लखनऊ की टीम को लग चुके थे। जहां दूसरी तरफ खड़े केएल राहुल अपना अर्धशतक पूरा इस दौरान कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपने शतक की तरफ आगे बढ़ भी जाएंगे अगर कोई उनका बल्लेबाज साथ निभाएगा, लेकिन कोई भी जो सामने बल्लेबाज आ रहा था वो अच्छी पारी खेल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहां पर कृणाल पांड्या ने मात्र 2 गेंदों में 1 रन ही बनाए, तो वहीं दीपक हुडा ने 9 गेंदों में 10 रन की पारी खेली, आयुष बदूनी ने 11 गेंदों में 14 रन बनाए। हालांकि बात करें अगर केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने अपनी 62 गेंदों में 103 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाया, जहां केएल राहुल ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए थे। और इसी के साथ 169 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो मुंबई की तरफ से एक बार फिर से ईशान किशन और रोहित शर्मा ही मैदान पर आए, जहां पर ईशान किशन और रोहित शर्मा का आज आक्रामक रूप हम सभी को देखने के लिए मिला। दरअसल दोस्तों ईशान किशन तो इस दौरान काफी धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा का आज वही पुराना फॉर्म और अंदाज हम सभी को देखने के लिए मिला, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर पहले तो बस मात्र 7 ओवर के अंदर अंदर ही अपनी अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा किया, और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद तो मानो रोहित शर्मा चौके और छक्कों के अलावा 1-2 रन तो ले ही नहीं रहे थे। दरअसल इस दौरान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर डाली, जैसा कि आप सभी यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज के इस रोमांचक मुकाबले में रोहित ने ईशान किशन के साथ मिलकर बस मात्र 10 ओवर के भीतर ही भीतर 70 रन जोड़ लिए थे और मुंबई की टीम को वो जीत की राह पर आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि इस दौरान कुछ कठिनाई रोहित के आगे आई हुई, जहां मोहसिन खान और जेसन होल्डर ने इस दौरान मौका बनाया भी रोहित का विकेट लेने के लिए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के फील्डर इस दौरान कैच छोड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते रोहित शर्मा को एक बड़ा जीवन दान मिला और उसके बाद तो मानो रोहित ने बस मात्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। और आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में 39 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 बड़ा छक्का लगाया था। हालांकि उनको कृणाल पांड्या ने कॉट एंड बोल्ड आउट किया, तो वहीं ईशान किशन का बल्ला चला नहीं, जो कि 20 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं डिवॉल्ट ब्रेविस ने 5 गेंदों में 3 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि फिर पारी को संभाला तिलक वर्मा और कायरन पोलार्ड ने, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज मुंबई इंडियंस की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने तो 20 गेंदों में ही 33 रन ठोक डाले थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे, बाकी अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए इस दौरान नजर भी आए। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की गेंदबाजी आज काफी ज्यादा शानदार रही। बाकी आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो कि आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम
जीती, कौन सी टीम हारी और अब आप सभी की क्या राय है मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए इस मुकाबले के बारे में। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग के 35वें मुकाबले में शनिवार को डबल हेडर मैच के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना आज गुजरात टाइटंस की टीम के साथ हुआ, जहां मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के 67 और मिलर की 27 रनों की पारी के दम पर कोलकाता के सामने 157 रनों का लक्ष्य रखा, जहां टीम ने आखिरी ओवर में 4 विकेट गंवाए थे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की भी शुरुआत हार्दिक की टीम जैसी ही अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि इस पारी में उन्होंने एक चौका भी लगाया। तो वहीं शुभमन के आउट होने के बाद फिर मैदान पर आए रिद्धिमान साह, जहां रिद्धिमान साह ने 25 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन उनको भी उमेश यादव ने चलता किया, जिसके चलते ये 2 बड़ी सफलताएं गुजरात टाइटंस के खिलाफ केकेआर की टीम को मिल चुकी थी। हालांकि यहां पर अब आउट करना था हार्दिक पांड्या को, क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या ने आज के इस रोमांचक मुकाबले में 49 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। हालांकि इनको भी टीम साउदी ने ही रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाया और हार्दिक के आउट होते के साथ ही डेविड मिलर का विकेट भी मात्र 27 रन पर ही गया। जहीं राहुल तेवतिया 12 गेंदों में 17, तो वहीं राशिद खान 2 गेंदों में मात्र 0 रन पर ही पवेलियन लौटे और वहीं अभिनव मनोहर ने 2 रन बनाए, लॉकी फर्गुसन 0 और यश दयाल पहली ही गेंद पर चलते बने, जिसके चलते यहां पर गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना पाने में कामयाबी हासिल कर पाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि चलते यहां पर अक्षर पटेल अपना विकेट गवा बैठे और वो 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। तो वहीं फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जहां ललित यादव और शार्दुल ठाकुर के बीच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हम सभी को देखने के लिए मिली। जी हां दोस्तों, एक छोर पर जहां ललित यादव टीम को जीत दिलाने की ओर देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर जो कि घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको रियान पराग ने बेहतरीन ढंग में रन आउट किया, जिसके चलते यहां पर दिल्ली की टीम को ये 6ठा सबसे बड़ा झटका लगा। रोमन पोवेल के आज की इस रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी है, पूरा स्कोर कार्ड आप सभी की स्क्रीन के सामने है। और अब ऐसे में आप सभी की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और राजस्थान में से कौन सी टीम आईपीएल 2022 का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हो सकती है। अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।